जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र चैनल है जो आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और ज्योतिष के बारे में विभिन्न जानकारी आसानी और सरलता से उपलब्ध करवाता है। तो चैनल से जुड़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारी आप हमेशा पाएँ। इस वीडियो में बात करते हैं कि धनु राशि बुरे वक्त से में काम की बात है, बुरे वक्त से बाहर ला सकता है ये वीडियो आपको। अगर आपका पल अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है और मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा ये ठीक रहेगा, तो ये तीन आदतें अपने जीवन में हैबिट पहले बना लें। मैं उन पर भी बात करूँगा, लेकिन ये तीन चीज़ें आप सही करें। लोगों से व्यवहार, आप व्यवहार मेंटेन करना शुरू करें, लोगों से मिलें जुलें, बात करें, ताकि 100 लोगों से अगर आपका व्यवहार होगा ना, तो 5 तो काम आएंगे आपके बुरे वक्त में। 95 भले ही काम नहीं आए, पर 5 तो काम आएंगे, और वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी हिम्मत होती है। इसीलिए समाज, लोगों से मिलना जुलना, इस पर बात होती है। दूसरे नंबर पर है, आप जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा सुरक्षित और सेव सुरक्षित रखें, वो आपके बुरे वक्त में ज़रूर काम आएंगे। तीसरे नंबर पर है ईश्वर पर यकीन। ये तीसरे पर ईश्वर के प्रति जुड़ाव, लगाव और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। जब तक आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो वादा करता हूँ आपसे, आप कितने भी बड़े शख्सियत बन जाए, लेकिन वो मज़ा ही नहीं आएगा। जो आनंद एक अलौकिक दुनिया होती है ना ईश्वर की आस्था में, वो उसकी बात ही अलग होती है। दोस्तों, तीस अब मैं बात करता हूँ कि बुरा वक्त अगर जिनका चल रहा है वो कैसे बाहर आए। तो पहले नंबर पर, आप हमेशा जो बीत चुका है उन बातों को भूल जाएं। उन बातों से न तो कुछ होने वाला है, आपके हाथ में केवल भविष्य है, वर्तमान भी हाथ से चला चुका है। तो वर्तमान को ख़राब करता है हमारा भूत, तो भूत को भूल जाएं। जो हुआ सो होन दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर, अपने दिमाग को कभी खाली मत रखें। जितना दिमाग खाली रहेगा ना, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, आप परेशान क्यों हैं, आपके मन में विचार क्यों इतने सारे आते हैं। रातों को नींद नहीं आती, दिमाग खाली है, बहुत से विचार आते हैं, क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ये मैं वादा करता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो पहली और मुख्य बात जो याद थी कि आपको दिमाग में जितनी भी बातें हैं भूतकाल की, उन्हें भूल जाएं और नेगेटिव बातों को हमेशा अवॉइड करें, पॉजिटिव रहें। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। जितना सकारात्मक रहेंगे ना दोस्तों, उतना फ़ायदा है आपको। आपकी योग्यता है, आपकी बातें, सब कुछ आपके पक्ष में रहेगी। चौथी नंबर पर, आपकी परेशानी क्या है उसे तुरंत उसका हल करें। आप तुरंत उसका हल करें, परेशानी क्या है, वेट एंड वॉच तो करना ही है, लेकिन उसका तुरंत जो प्राथमिक उपचार क्या है वो लें और उसके साथ जिए, तो आप परेशानी से बहुत जल्द बाहर आएंगे। पाँचवें नंबर पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, बिल्कुल आस्थावादी रहें, मंदिर दर्शन करें, चाहे कितने भी खराब पल हो, लेकिन भगवान से कभी खींच ना करें। हम भगवान के प्रति जो होते हैं, भगवान क्या क्या तूने, भगवान से लड़ाई कर लेते हैं, क्यों नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वो, तो प्लीज़ दोस्तों। और गीता का अध्ययन करें तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। जय श्री महाकाल।